आइए आइए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। माका लगता है यही सिंगानिया साहब हैं। अभी सेठ जी को फोन करके बुला ले। ये मेरी दुकान है। अरे ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी दुकान है। नटू काका, बागा बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। नटू काका, बागा इसे बाहर निकाल। अरे ओ गड़े पड़ू गोकर्णदास, जहाँ चाहते हो सब अपना बना लेते हो। अरे सुबह मिले तो चाय की दुकान तुम्हारी हो गई, अब ये दुकान तुम्हारी हो गई। मुझे बाहर निकालेगा, अभी चखाता हूँ मजा। सेठ जी, ये पिस्तौल तो नकली लगती है। नकली लगती है, चला के दिखाऊं? हाँ हाँ, ये? अरे ओ नटू काका, क्या नहीं 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 नहीं, क्या चला के दिखाओ? अरे जहर ना पारखा ना होए। ये बंदूक असली है या नकली ये चेक करना है तो मैं गोली इस दुकान में ही चला कर दिखाऊंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो, पाका पाका कुछ कर कुछ कर। 80-90 पूरे सो। पुलिस को बुला, कुछ भी करके पुलिस को बुला। पुलिस? किसने बोला पुलिस? नहीं नहीं नहीं, मुझे पुलिस के नाम से ही नफरत है। फिर पुलिस का नाम लिया ना तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। कुछ भी करके पुलिस को फोन तो लगाना ही पड़ेगा। सर क्या चेहरे, ये घूम भी नहीं रही है। मैं ठीक करवा देता हूँ सर। हाँ जाओ। ओके सर। ये सर। अरे यार ऐसे ही थोड़ा म्यूजिक के लिए बजा रहा था तो तुम। ओके सर। हेलो मुंबई पुलिस। हेलो हेलो मुंबई पुलिस। हेलो हेलो, फोन किसको लगा रहे हो? फोन किसको लगा रहे हो? सप्लायर सप्लायर को। वो डिलीवरी आने वाली थी ना, वो माल की दुकान के लिए, तो मैंने सोचा उसको फोन करके पूछ लूं कब भेज रहे हैं डिलीवरी। ए, दुकान का काम है तो पर्सनल फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? दुकान का काम है तो दुकान का फोन इस्तेमाल करो। ओके थैंक यू थैंक यू। एक मोबाइल निकाला। वो नंबर नंबर याद है नहीं है ना, इसलिए नंबर कल ही देख लेता हूँ। मेरी दुकान है, मैं बात करूँ। हेलो हेलो मुंबई पुलिस। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मतलब कौन नहीं बोल रहा है? देखो मजाक तुमने शुरू किया है, वादा करता हूँ इंस्पेक्टर चालू पांडे इस मजाक को खत्म करेगा। मजाक खत्म। तो डेड हो गया। कौन सप्लायर? है फोन। अरे ये वायर ही निकल गया, आपने इतनी जोर से खींचा तो डेड ही हो जाएगा ना। बराबर बराबर। फिर से लगाओ। नहीं अभी वो मुझे लगता है, सॉरी सॉरी, वो बिजी होगा। मेरा फोन है, मैं रखूंगा। ओके ओके। अरे बाप रे, अभी पुलिस को कैसे फोन करूं? अरे भाई सुनते क्यों नहीं? सर मुझे लगा आप म्यूजिक बजा रहे। अरे यार म्यूजिक नहीं बजा रहा, ये फोन में कुछ गड़बड़ है क्या? सब फोन तो बराबर है। हेलो हेलो बोल रहा हूँ तो सामने वाला हेलो हेलो क्यों नहीं बोल रहा? सर लगता है कोई मजाक कर रहा होगा। हाँ ठीक है जाओ। ओके सर। पता नहीं कौन पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहा है। पांडे जी पांडे जी पांडे जी। आओ आओ पोपटलाल,
बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे पांडे जी, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ओ, आपकी शादी हो गई? कैसी बात कर रहे हैं पांडे जी, शादी मेरे लिए हादसा नहीं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये तो होने के बाद ही पता चलेगा कि उपलब्धि है या हादसा। खैर बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, किडनैपिंग हो गई है। किडनैपिंग? ओह माय गॉड, गोकुल धाम वाले छुट्टी पर है क्या? क्योंकि आप लोग तो आपस में ही केस सॉल्व कर लेते हैं ना। जाओ आपस में सॉल्व कर लो, मेरे पास क्यों आए हो भाई? अरे पांडे जी, मजाक छोड़िए, मेरे छाते का अपहरण हो गया है। व्हाट? छाते का अपहरण? आई नो इट्स शॉकिंग, बट ये गोकुल धाम का केस है। आप लोग काम पर लगे प्लीज। पांच सौ हजार की नोट क्या बंद हो गई, लोग अब छाते का अपहरण करने लगे। दिन दहाड़े घन चक्कर मेरा छाता लेके भाग गया। अब तुम यही चाहते हो पोपटलाल कि मुंबई पुलिस तुम्हारा छाता ढूंढे। अब यही काम रह गया है मुंबई पुलिस के पास। पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है ना। हाँ बिल्कुल, तो फिर चलिए मेरे साथ और मेरा छाता ढूंढिए। पगला गए हो क्या पोपटलाल? अरे पगला मैं नहीं गया, पगला वो गया जो मेरा छाता लेके भागा। आप प्लीज जल्दी मेरे रिपोर्ट लिखिए और मेरा छाता ढूंढने जाइए। पोपटलाल मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अभी के अभी तुम्हारा छाता नहीं ढूंढ सकता। जाओ यहाँ से। अरे आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मेरा छाता सिर्फ छाता नहीं है, वो मेरे परिवार का सदस्य है, उसके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम्हारे छाते का आधार कार्ड है? राशन कार्ड में उसका नाम है? नहीं ना, तो फिर वो तुम्हारा फैमिली मेंबर कैसे हुआ पोपटलाल? जाइए जाइए यहाँ से, पुलिस के पास बहुत काम है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, एक घन चक्कर आदमी मेरा छाता लेके भाग गया, उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं, वो मेरे छाते के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप जेठालाल को फोन करके पूछिए, वो मेरे छाते के साथ साथ जेठालाल का कंगन लेके भागा है। जेठालाल का कंगन? जेठालाल कंगन कब से पहनने लगा? मतलब वो जेठालाल का कंगन नहीं है, कंगन दया भाभी का है, वो जेठालाल के पास था। गुलधाम के एकता के किस्से तो बहुत सुने थे, पर पोपटलाल तुम तो बहुत स्वार्थी निकले। स्वार्थी कैसे? अपने छाते की कंप्लेंट लिखवाने आ गए पोपटलाल, लेकिन जेठालाल के कंगन की कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए। पांडे जी, मेरा छाता मेरे लिए मेरे परिवार का सदस्य है, लेकिन जेठालाल का कंगन उसके लिए उसके परिवार का सदस्य नहीं है। गोकुलधाम वालों के पास हर सवाल का जवाब होता है। लगाओ लगाओ, जेठालाल को फोन लगाओ। तुमको फोन लगाने बोला तो मैसेज पढ़ रहे? नहीं नहीं, नंबर नंबर देख रहा था, मिल गया मिल गया। लगाओ। बस लगाओ। अरे वाह, लाल लाल अच्छा कलर है, लाल से कर। तुम्हारा छाता तो काला है ना? हाँ। काला फोन यूज करो। पॉइंट। ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा बैलेंस कम है तो इसलिए लैंडलाइन से लगा रहा हूँ। Hey, क्या देख रहा है? कुछ नहीं। रिंग जा रही। हेलो हेलो, चालू पांडे ये। रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई चालू पांडे नहीं है। क्या हुआ? पुलिस के फोन से रॉन्ग नंबर लगाते हो, तुम जैसों की वजह से पुलिस की रॉन्ग इमेज बनती है। नहीं नहीं, मैंने जेठालाल की दुकान पे ही लगाया था लैंडलाइन पे। लाइए मैं फिर से ट्राई करता हूँ। नंबर तुम बोलोगे, डायल हम करेंगे। बाबा हाँ, मैं बोलता हूँ। सेठ जी, फोन मत उठाइए। क्यों? क्योंकि आप सेठ जी हैं। सेठ जी सब फोन थोड़ी ना उठाते हैं। क्यों? बराबर है नहीं उठाता, हर फोन नहीं उठाता। अरे ऐसे छोटे मोटे काम के लिए तो आपने हमको नौकरी पे रखा है। अच्छा? हाँ। मैंने खाली फोन उठाने के लिए तुम्हें नौकरी पे रखा है? हाँ। तो जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी, आज से फोन मैं ही उठाऊंगा। अरे फोन उठा क्यों नहीं रहा? उठाएगा, वो बिजी रहता ना दुकान में, बिजी रहता। देखिए अभी आज मैं आ गया हूँ तो आज मुझे फोन उठा लेने दीजिए, कल से मैं नहीं रहूंगा तो कल से आप ही फोन उठाना बस।
बराबर है। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, जेठालाल इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। अरे अच्छा हुआ आपने फोन किया। कौन है? एक मिनट, वो तबेले वाले भाई साहब है। तबेले वाले? हाँ मुझे दो। अरे हेलो, हाँ सुनो तबेले वाले, गाय हमारी माता है, भैंस हमारी मासी है, उनको अच्छे से घास खिलाओ और जो दूध निकले उसमें पानी मत मिलाओ। कौन हमें हमारे खानदानी धंधे की याद दिला रहा है? और सुनो, पूरे तबेले को सेंट्रली एसी कराओ। एक क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? घन चक्कर कहीं के? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? सेठ जी, सेठ जी गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा क्या? सेठ जी का गुस्सा ठंडा कीजिए। पंखा दीजिए, पंखा दीजिए। हेलो 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 हेलो, किससे पंखा डाल दिया? अरे कोई पीछे बस लीजिए सेठ जी। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, खुले में ले जा, खुले में ले जा, खुले में, खुले में ले जा, कोने में, कोने में। आइए नटू काका, आप यहाँ आइए, आप आराम से खा दो, गुस्सा ठंडा करो। सेठ हेलो हेलो चालू जी, पांडे जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या ये कौन बकवास कर रहा था? ये घन चक्र मेरी दुकान में घुस गया है। तो क्या ये वही घन चक्कर है जिसके बाद दया बहन का कंगन और पोपटलाल का छाता है? वही 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 है, ये वही है। हेलो जेठालाल, वो घन चक्कर के पास मेरा छाता सही सलामत है ना? हाँ हाँ है। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले के हाथ से फोन चीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सॉरी सॉरी पांडे जी, दरअसल वो छाता मेरे परिवार का सदस्य है, इसलिए मैं थोड़ा भावुक हो गया था। I know. प्लीज कर। हाँ जेठालाल, तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मेरी दुकान में घन चक्कर घुस गया, उसने मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया है, बहुत खतरनाक है, उसके पास एक पिस्तौल भी है। What? बात बात पे गोली मारने की धमकी दे रहा है, जल्दी से आइए, उसे पकड़ लीजिए, प्लीज जल्दी आइए। जेठालाल एक काम करो, तुम किसी भी तरह उसको बातों में उलझा के रखो जब तक मैं नहीं आऊं। अगर वो भाग गया ना जेठालाल, तो तुम जानते हो मैं तुम्हें। ओके ठीक है, जल्दी आइए जल्दी आइए। हेलो, सौ बात की एक बात, देखो किसी भी गाय भैंस को कोई भी जात की तपलीक नहीं होनी चाहिए। कोई भी गाय भैंस ने आके या हमारे सेठ को कंप्लेंट की तो हमारे सेठ जी से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? पाटिल शिशुपाल, कम ऑन मूव मूव। पांडे जी मैं भी प्लीज। चलो फोन रखो, अभी डांट दिया सेठ जी। सेठ जी क्या बात हुई? अरे कौन? ओ तबेले वाले भाई साहब। क्यों? आपको अपने साथ ले जाने। किधर? तबेला दिखाने। आपने उनको बोला ना कि तबेला पूरा एसी कर देना, तो वो आपकी राय लेना चाहते हैं कि तबेले में कहाँ कहाँ एसी फिट करे, इसलिए आ रहे। ए, एसी तबेले में है, यहाँ हवा चालू रखो, चलो। जी जी जी। हाय जेठा जी, वो मैंने आपको सुबह कहा था ना, मेरी फ्रेंड को फोन लेना था। आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे बात कीजिए, ये मेरी दुकान है और ये सब मेरे नौकर हैं। जी नहीं भाई साहब, ये दुकान जेठा जी की है। नहीं मेरी है। जी नहीं, ये दुकान उनकी है। मैंने कहा ना, ये दुकान मेरी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय जेठा जी, कम बोलो। अरे बबीता जी, ये भगवान बबीता जी अभी कहाँ है? हाय, वो मैंने आपको सुबह कहा था ना, मेरी फ्रेंड को फोन लेना था। शी इज माई फ्रेंड मोना। मोना ये जेठा जी है। नमस्ते जेठा जी। नमस्ते नमस्ते। आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे बात कीजिए। Myself मनहर मनमोजी, ये मेरी दुकान है और ये सब मेरे नौकर हैं। What? बबीता, तुमने तो कहा था ये दुकान जेठा जी की है। हाँ, दुकान जेठा जी की है। नहीं, ये दुकान मेरी है। जी नहीं भाई साहब, ये दुकान जेठा जी की है। नहीं मेरी है। जी नहीं, ये दुकान उनकी है। मैंने कहा ना, ये दुकान मेरी है। आपकी आपकी आया हो हो हो, चल रखो, गुस्सा रहे सच का, गुस्सा रहे, हो चल रखो। कौन है?
आदमी की अपनी दुकान बेच दी है? नहीं नहीं बबीता जी, एक शर्फिरा आदमी है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सुबह से दुकान में घुस गया और सुबह से कह रहा है दुकान मेरी है, दुकान मेरी है। आप लोग एक काम कीजिए, अभी यहाँ से चले जाइए और ना आप भी फंस जाएंगे उसके पास। बबीता जी को पिस्तौल की बात बता दो। नहीं नहीं, अगर बता दिया तो उनको मेरी बहुत चिंता होगी, वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। अरे फिर तो बता देना चाहिए। नहीं नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। बबीता जी क्या है उसके पास? उसके पास दिमाग ही नहीं है बबीता जी, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। अरे मेरी चिंता मत कीजिए बबीता जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो इंस्पेक्टर चालू जी, पांडे जी कभी भी यहाँ आते ही होंगे। आप लोग जाइए। और मोना जी, ये सर फेरे का प्रॉब्लम ठीक होते ही मैं बबीता जी के साथ आपके घर पे आ जाऊंगा, 4-5 किस्म के मोबाइल लेके, बराबर ना? सॉरी हाँ, सॉरी। नो प्रॉब्लम। कहाँ जा रहे? वो पैसा घर पे भूल आए हैं, इसलिए घर पे जा रहे हैं पैसे लाने के लिए, पैसा लेके अभी वापस आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। पैसे की क्या जरूरत है? उनको मोबाइल खरीदना है ना, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना। तुम पैसे लेकर मोबाइल बेचते हो? हाँ, आपने रूल बनाया है ना क्या, बिना पैसे दुकान की एक भी चीज नहीं बेचने की? मैंने बनाया? हाँ तो ठीक है, जाओ पैसे लेकर आओ, जाओ। गॉश, वो आदमी तो बहुत ही बड़ा सरफिला निकला। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, देखा नहीं तुमने किस तरह से बात कर रहा था वो? मैं ना दा भाभी को एक बार फोन कर देती हूँ, उन्हें एटलीस्ट बता तो दूं कि अभी चल क्या रहा है। अभी फोन नहीं उठा रही है, लगता है घर पे नहीं है, क्या करूं? एक आइडिया है, तुम किसी डॉक्टर को जानती हो क्या जो किसी सरफिरे को कंट्रोल में रख सके? अरे हाँ, हमारी सोसाइटी में है ना डॉक्टर हाथी, मैं उनको फोन करती हूँ, आई एम श्योर वो हमें इस मैटर पे जरूर हेल्प करेंगे। बबीता जी का फोन? हेलो बबीता जी। हाथी भाई, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी है? वो जेठा जी के शॉप में ना एक सरफिरा घुस गया है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, और वो जेठा जी के शॉप को अपना शॉप मान रहा है। अरे बाप रे। हाथी भाई, जेठा जी को आपके हेल्प की बहुत जरूरत है, आप इस वक्त उनके शॉप में जाकर सरफिरे को कंट्रोल कर सकते हो क्या? अच्छा हुआ बबीता जी आपने मुझे फोन कर दिया, मैं उसी एरिया में एक पेशेंट को देखने आया था, मैं अभी जेठा भाई की दुकान में जाता हूँ और उस सरफिरे को कंट्रोल करता हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच हाथी भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है, मैं भी उनकी दुकान में जाता हूँ। ओके बाय बाय बाय। हाथी भाई अभी के अभी वहाँ पे पहुँच रहे, आई होप वो सरफिरा जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए और जेठा जी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। आई एम राजकुमार सिंघानिया। आई 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 आई। स्टॉप, ये दुकान मेरी है, बताइए क्या चाहिए? सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल्स का नया होटल दमन में खुल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह खरीदना था। लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं बेचनी, मुझे ये दुकान बेचनी है। What? ये क्या बकवास है? नहीं नहीं रुकिए रुकिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये चालू जी, पांडे जी अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ अटक गए? हेलो। हाँ बोलो। आई एम राजकुमार सिंघानिया। मर गए। अरे सिंघानिया साहब नमस्ते, मैं हूँ जेठालाल, आइए 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 आइए। स्टॉप, ये दुकान मेरी है, आई एम द बॉस, मुझसे बात कीजिए, बताइए क्या चाहिए? मेरी सेक्रेटरी ने आपसे बात की होगी, सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल्स का नया होटल दमन में खुल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह खरीदना था। लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं बेचनी। नहीं नहीं, बेचनी है बेचनी है। देखिए ये सिंघानिया साहब हमारे बहुत बड़े कस्टमर है। होंगे, मैंने कहा ना मुझे एक भी चीज नहीं बेचनी है। What?
मुझे ये दुकान बेचनी है। बोलो खरीदोगे? व्हाट? अरे वो दुकान क्यों खरीदेंगे, उनका तो होटल का बिजनेस है। तो होटल मुझे दे दो और ये दुकान तुम ले लो। व्हाट? ये क्या बकवास है, लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। नहीं नहीं रुकिए रुकिए। अरे अरे क्या पीछे, क्या पीछे? तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। सुबह से जीना आराम कर दिया, घन चक्कर कहीं क्या? घन चक्कर मुझे घन चक्कर बोला? अब मैं सॉरी को गोली मत मारिए प्लीज। नहीं नहीं किसी को गोली मत मारिए प्लीज। कोई नहीं बचेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी खून कहाँ है? अरे खून छोड़ गोली कहाँ है? इसमें गोली है ही नहीं। देखा देखा सेठ जी, मैंने आपसे पहले कहा था ना, ये पिस्तौल नकली है। अरे पिस्तौल नकली है तो देख के रहा, पकड़ो इसको। पकड़ो। ए, ए, रुक, ए, 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 रुक, ए, रुक, रुक, ए, रुक चार। दोस्तों गन भले ही नकली थी लेकिन टेंशन असली हो गया। वैसे इन दिनों देश में बड़ा टेंशन है, 2000 के नोट के छुट्टे नहीं मिले, और तो और 2000 और 500 के नकली नोट आ गए। खैर ये मामला तो 30 दिसंबर के बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन जेठालाल का क्या होगा, क्योंकि सिंघानिया का ऑर्डर कैंसिल हो गया और चालू पांडे यहाँ आने के लिए निकल पड़े, तो अब क्या होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंगामी हंगामी। ये चिट्ठी वही पढ़ेगा जिसे मेरे पिताजी श्री मनोहर लाल मनमोहन जी ने परेशान किया होगा। फोन नंबर तो देख लेना देना था। मेरी चिट्ठी थी, मैं खा गया। चिट्ठी पढ़ के लग रहा है कि ये किसी अच्छे घर से है, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अपने बेटे से बिछड़ गए। अच्छा हुआ आपने चालू पांडे जी को फोन करके बुला लिया। चालू जी, पांडे जी को रोकना पड़ेगा। Why, सेठ जी? अरे वो चिट्ठी में लिखा था नटू काका कि डॉक्टर और पुलिस का नाम सुनते ही उनके दिमाग की पिन हिल जाती है। क्या जेठालाल, क्यों बार बार फोन करे, आ गया हूँ ना। मुंबई पुलिस को भी मुंबई की ट्रैफिक नड़ती है। पुलिस! 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 पुलिस!